डियर स्टूडेंट, मैं हूं सिद्धार्थ किरण। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 9 टीम की पिक्चर ड्रॉ आप कैसे कर सकते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर। क्योंकि आप भी और भी चैनल्स पे देख के आए, वो वीडियो अगर समझ में नहीं आया है या कोई भी डाउट रह गया है तो इस वीडियो में सारी चीजें समझने वाले हो। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप वीडियो के लास्ट तक अगर कोई डाउट रह जाए, मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछना, मेरी टीम या मैं खुद आपको 2 से 3 घंटे के अंदर रिप्लाई दे दूंगा। क्योंकि एग्जाम से पहले तक आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं 7 स्टेप्स में यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करना बताऊंगा, लेकिन ये नोटेशन से मेरा पिक्चर ड्रॉ इसके बाद में बताऊंगा। तो 7 स्टेप्स में इसके नोटेशन होते हैं, ठीक है। उसका मेरा पहला स्टेप क्या होता है कि नंबर ऑफ टीम्स ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दे दी गई होती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टीम्स दे दी गई है 9, यानी कि कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ पर होने वाली है 9, ठीक है। अब उसके बाद आती है कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। यहां पर नंबर ऑफ मैचेस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जितने भी पार्टिसिपेटिंग टीम दी गई है, यानी कि यहां पर 9 है तो -1 कर दो। लेकिन ये वैल्यू मेरा, चाहे ये ऑड है ये इवन है, जितने भी नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए कोई भी ले लो, चाहे 10 का निकालना है, 20 का निकालना है, 15 का निकालना है, पार्टिसिपेटिंग टीम जितनी दी गई है -1 कर दो, नंबर ऑफ मैचेस निकल जाएंगे। यानी कि यहां पर नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम कितनी है 9 - 1 = 8, यानी कि यहां पर 8 मैचेज होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ और नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। लेकिन ये निकालने से पहले हम लोग को ये ध्यान में रखना होता है कि यहां पे जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम दी गई है वो ऑड है ये इवन है। आपको पता है कि 9 एक ऑड नंबर है, ठीक है। अब यहां पर जो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा वो ऑड वाली करूंगा, यानी कि अपर हाफ में कितनी टीम्स होगी उसके लिए फॉर्मूला होता है n + 1/2, ठीक है। इसके बाद यानी कि यहां पे n कितनी वैल्यू है 9 + 1/2, यानी कि 10/2 = 5, अपर हाफ में 5 टीम्स। उसी तरह से लोअर हाफ में कितनी होगी उसके लिए फॉर्मूला है n - 1/2 = 9 - 1 = 2 = 8/2 = 4। मैं बता दूं कि अगर आप ये कॉपी में नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो अभी नोट डाउन कर लेना, या टाइम नहीं है तो स्क्रीनशॉट कर लेना, क्योंकि यही सारे फॉर्मूलाज आपके अप्लाई होंगे। और भी अगर मान लो कि ये 9 है, 11 के लिए यही सब फॉर्मूला अप्लाई होगा जो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ ऑड के लिए, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेना। अब बात आती है कि टोटल नंबर ऑफ 22 कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ 22 फाइंड करने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका क्या है कि आप ये याद रखो, 2^1 वाला, 2^2 वाला, 2^3 वाला, ये आपको याद रखना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2 का। इसका वैल्यू आपको पता है कितना वैल्यू है 2, इसका वैल्यू पता है 4, इसका 8, इसका 16, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेरा नंबर है नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम ये कितना है 9, यानी कि ये 8 से बड़ा है 16 से छोटा है, यानी कि यहीं कहीं पे बीच में लाई कर रहा है। तो आपको फाइंड करना है कि 9 से जस्ट आगे जो बड़ा नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2 वो कौन सा नंबर है, 2^4 जिसका वैल्यू है 16, यानी कि ये वैल्यू आपको यहां पे लिख देनी है 2^2, ठीक है। माइनस कर दो कितनी टीम यहां पे दी गई है 9, नहीं सॉरी यहां पे गलती हो गई, ये आपका जो नेक्स्ट नंबर कौन सा 2^4 है, तो ये 2^4 हो जाएगा -9, कितना हो जाएगा ये 16 हो गया, 16 - 9 = 7, यानी कि यहां पर आपको 7/22 देनी है। अब 22 का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले हम लोग को ये अभी फिर से पता लगाना होगा कि 7 कैसा नंबर है। 7 एक ऑड नंबर है, ठीक है, ठीक है, ऑड नंबर है। तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूं अपर हाफ और लोअर हाफ में, अपर हाफ और लोअर हाफ में, ठीक है। इसके लिए अपर हाफ में 22 के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या है, b - 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 22 कितनी है 1/2, यानी कि यहां पे कितनी हो जाएगी 7 - 1/2 = 6/2 = 3, यानी कि अपर हाफ में 3/22 और लोअर हाफ में कितना हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला है b + 1/2 = 7 + 1/2 = 8/2 = 4, यानी कि अपर हाफ में मेरा 4/22 जाने वाला है। अब बात आती है कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, राउंड्स को डिसाइड करना है। तो राउंड को फाइंड करना बहुत आसान है, आपने जो ये नेक्स्ट नंबर खोजा है आपने 9 के आगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2 है, तो वहां पर जो आप खोजा है आपने 2^4, तो ये जो आप मैं रिलेट करूं 2^n से, तो n की वैल्यू यहां पे कितनी है, n की वैल्यू यहां पर आपका 4 ही है,
ठीक है। ये जो एन की स्मॉल एन की वैल्यू आपके नंबर ऑफ राउंड्स को दिखाती है, जिसका वैल्यू यहाँ पे 4 है, यानी कि ये वैल्यू मेरा 4 है, तो यहाँ पे राउंड्स कितने हो जाएंगे मेरे 4, राउंड्स मेरे हो जाएंगे 4, ठीक है, राउंड्स 4 हो गए। ये चीजें हो गए मेरी नोटेशंस वाले, ठीक है। अब 9 टीम की यहाँ पर फिक्चर ड्रॉ करने वाला हूँ, बहुत ही बेसिक स्टेप से आगे बढ़ने वाला हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से क्लियर होने वाली है, ठीक है। सबसे पहला आपका स्टेप क्या होता है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे टीम्स लिखनी होती है। टीम्स कैसे लिखोगे, यहां पे आपने टीम्स लिख दिया, ठीक है। टीम्स लिखने के बाद आपको यहां पर लिख देनी है जितनी भी टीम्स हैं, यानी कि यहां पर 9 टीम्स हैं, तो 9 तक लिख दो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब आप देखो कि यहां पे अपर हाफ में कितनी टीम है, 5, लोअर हाफ में 4। अपर हाफ में 5 के बाद आपको एक छोटी सी लाइन बना देनी है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि मेरा अपर हाफ कौन सा है, ठीक है। यहां पे लिख दो अपर हाफ, मैं यूएस लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, एग्जाम में आप लोग फुल फॉर्म लिखना, और यहां पे लिख देना एलएच, यानी कि लोअर हाफ। अब बाइज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। अपर हाफ में कितना बाइज है, 3, लोअर हाफ में कितना बाइज है, 4। मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं, कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना, कि जब भी अपर हाफ में बाइज का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो सबसे पहला बाइज सबसे पहली टीम को जाता है, यानी कि अपर हाफ में बाइज का डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला बाइज सबसे पहली टीम को जाता है, ठीक है। आप बाइज दे दो, यानी कि सबसे पहला टीम हो गया 1, इसे बाइज दे दो, ठीक है। अब यहां पे कितनी बाइज है, टोटल 3 है, तो ऐसा सबसे पहले दे दिया, उसके बाद 1 के बाद अब 5 को देना, ठीक है, अप डाउन, ठीक है, उसके बाद फिर आपको अप जाना है, ये हो गया। यानी कि क्या करना है, सबसे पहली टीम को आपने दे दिया अपर हाफ का, उसके बाद उसी हाफ में सबसे लास्ट में आना है, यानी कि मैंने इसको दिया और उसी हाफ में सबसे लास्ट 5 को दे दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ऊपर जाना है, ये हो गया। लोअर हाफ में तो यहां पे 4 टीमें हैं, तो 4 को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो कि यहां पर 5 टीमें होती, 4 बाइज देनी होती, तो क्या करते, सबसे पहले क्या करना होता है कि लोअर हाफ में बाइज का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे लास्ट टीम से शुरू होती है, यानी कि सबसे लोअर टीम से, यानी कि सबसे पहला बाइज 9 को जाएगा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा ये 6 को, उसके बाद 8 को, उसके बाद 7 को, ऐसे यहां पे 4 टीमें थी, 4 बाइज देनी थी, सबको मैंने दे दिया, ठीक है, ये हो गया। अब बाइज जिन्हें मिल जाती है उन्हें एडवांटेज क्या मिलता है, एडवांटेज ये मिलता है कि वो अपनी फर्स्ट राउंड की मैच नहीं खेलते हैं, उनकी टूर्नामेंट में उनकी जर्नी स्टार्ट होती है सेकेंड राउंड से, ठीक है। जिन्हें बाइज नहीं मिला है वो अपना पहला राउंड खेलेंगे, ठीक है, पहला राउंड में खिला देता हूं 3 और 4 को, क्योंकि यही 2 टीमें हैं जिन्हें बाय नहीं मिला है, ठीक है। अब यहां पर भी विनर बन के आए होंगे, ठीक है, एक विनर बन के आए होंगे, मान लो कि 3 और 4 में एक विनर बन के आ गए, मान लो कि 3, ठीक है। अब ये जो मेरा मैच हो रहा है, ये हो रहा है मेरा राउंड 1 का मैच, ठीक है, यहां पे लिख दो आप राउंड 1, मैं यहां पे R1 लिख रहा हूं ओनली, जगह थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, R1 हो गया। अब सेकेंड राउंड जो होगा उसमें जिन्हें 22 मिला था वो भी खेलेंगे, क्योंकि उनकी जर्नी स्टार्ट होनी है अब, ठीक है। 1, 2 को मैच करा दो आप, ठीक है, इधर 3 और 5, हो गया मैच। अब उसके बाद करा देनी है आपको 6 और 7, उधर 8 और 9। अब इसके बाद विनर आप निकाल दो, और ये जो मैच हो रहा था मेरा राउंड 2 का हो रहा था, सेकेंड राउंड का, यानी कि मैं यहां पे लिख रहा हूं R2 का मैच हो रहा है, ठीक है। अब इसमें विनर निकाल दो, मान लो कि 1 और 2 का मैच हुआ, मान लो कि विनर बना दो, मान लो कि आप 2 को, यहां पे हुआ 3 और 5 का मैच, मान लो कि विनर बना दो 5 को, 6 7 में मान लो कि 6 को, और इधर 8 9 में मान लो कि 9 को, ठीक है, ये विनर बन के आ गए। अब फिर से आगे का एक राउंड होगा, ठीक है, मान लो कि ये राउंड हो रहा है आपका राउंड 3, इसमें भी विनर बन के आए होंगे, ठीक है, मान लो कि इधर
ठीक है। ठीक है, विनर बन के होंगे, मान लो कि विनर यहां पर 2 और 5 में, मान लो कि 5 और इधर मान लो 9। ठीक है, ये मेरा फाइनल राउंड हो रहा है। ठीक है, फाइनल राउंड हो रहा है यानी कि राउंड फोर हो रहा है। एक विनर मान लो कि मैं 9 को विनर मान लिया, ये मेरे विनर हो गए। ठीक है, ये हो गया मेरा फिक्स्ड ड्रॉ 9 टीम की। अब बात आती है कि सर आपने एक चीज बोला था कि मैं वेरिफिकेशन भी कर दूंगा कि वहां पे जो मैं नोटेशन में लिख रहा था कि या इतने मैचेज होंगे, इतने राउंड होंगे, क्या सच में यहाँ पे हुए क्या? मैंने आपको वहां पे बोला था कि 8 मैचेज होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 टीम है। और मैचेज कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम माइनस 1, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम यहाँ पे 9 है, 9 माइनस 1 दैट इज 8, यानी 8 मैचेज यहाँ पे होने चाहिए। आप मैच गिनो, मैच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट मैचेस हो गए। उसके अलावा यहाँ पे राउंड कितने हुए, राउंड भी गिन लो, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, यानी कि वहां पर मैंने बोला था कि 4 राउंड होंगे, 4 राउंड भी हो गए यहाँ पे, यानी कि आपका ये फिक्स ड्रॉ हो गया 9 टीम की। इसी तरह से मैंने सारे फिक्स ड्रॉ मैंने कंप्लीट कर दिए, सबसे मिनिमम 2 टीम से लेकर 30 टीम्स को तक। ठीक है, उसके अलावा आप और भी टूर्नामेंट जैसे कि फिक्स्ड ड्रॉ करते हो, जैसे स्टीयर केस मेथड, मिनिमम टीम से मैक्सिमम टीम तक मैंने कर दिया जहां पर आपके एग्जाम में आते हैं। स्टीयर केस मेथड को ले लो या साइक्लिक मेथड से ले लो, सारे मैं फिक्स्ड ड्रॉ कर दिया हूं। ठीक है, आप जाके वहां पर देख सकते हो। इसके अलावा इस चैनल पर अगर आप आए हो, वीडियो देख रहे हो, तो मैं बोल देना चाहता हूं कि ये चैनल अगर आप आए हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होकर जाएंगे, चाहे वो फिक्स्ड ड्रॉ के हो, चाहे किसी भी टॉपिक में हो, क्योंकि मैं यूनिट वाइज सारे टॉपिक को भी मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, ताकि आपको डाउट्स ना हो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, क्योंकि यहां पर सबसे हम लोग डील करते हैं कंसेप्ट के साथ, क्योंकि आपके यहां पर कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। लेकिन इस वीडियो में आपने जो भी देखा, जो भी आपने समझा, अगर कोई भी समझने में दिक्कत हुई होगी तो कॉमेंट सेक्शन सिर्फ आप लोगों के लिए बना है, जो भी डाउट्स हैं कॉमेंट सेक्शन में बताओ और हमारी टीम या मैं खुद 2 से 3 घंटे के अंदर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, आप ये मेरे चैनल पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ज्वाइन बटन है। ठीक है, ये जो ज्वाइन बटन है सिर्फ आप लोगों के लिए है, जो लोग 100 में 100 लाना चाहते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए ये ज्वाइन बटन है। आपको क्या करनी है, यहाँ पर मात्र 29 रुपीज पे करनी है 1 महीने के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आज से ही लेना शुरू कर दो, एग्जाम से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले आप ले सकते हो। ठीक है, यानी कि आप 2 महीने के लिए लेगो तो मात्र 58 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। और आपको फायदा क्या होगा, आपको 100 में 100 आ सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या देने वाला हूँ आप लोगों को, यहाँ पर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ कि मैं पर्सनल सपोर्ट करूंगा, मैं पर्सनल आपकी क्यूरीज को सॉल्व करूंगा, जो भी आपकी जो भी डाउट्स है, मान लो कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी यूनिट्स पढ़ रहे हो, आपको कहीं पे डाउट हो गया तो इंस्टेंट आप तो वीडियो खोजोगे नहीं, और खोजोगे तो आपको ढंग का वीडियो मिलेगा नहीं, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो पर्सनली बाय मोबाइल। ठीक है, आप वहां पर बात कर लेना। अगर मान लो कि मैं किसी तरीके से आपके डाउट को सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपसे, और आपके डाउट पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और जो कि मैं ये रेगुलर जो भी अन्य सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे जो मेंबरशिप नहीं लेंगे उन्हें मैं नहीं देता हूं ये। ठीक है, ये आपको दूंगा। इसके अलावा मैं आपको गेस करने वाला हूं कि आपके एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे, क्योंकि मैं आपको सीनियर के लिए भी मैंने ऐसा ही किया था और उन लोग बहुत अच्छा नंबर स्कोर भी किए थे। ठीक है, तीसरी चीज कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी किताब से उठाया आपको जाके दे दिया। ठीक है, मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन दूंगा, उसमें से चुनकर अगर आपने सॉल्व किया, अगर कहीं पे डाउट हो गई तो मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, अगर कहीं पे डाउट और भी हो रही तो मैं आपको बता दूंगा टेलीफोनिक। ठीक है, ये हो गई, यानी कि मैं बहुत ही तरीके से आपको हेल्प करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे ज्वाइन मेंबरशिप लेनी है आपको, 29 रुपीज पे करनी है, उसके बाद आप मेंबरशिप ले सकते हो। बस इतना ही है, और भी आपको कोई भी डाउट्स हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद।